ओके, दिस इज परफेक्टली सेट। अब हम अपने स्विच की तरफ चलते हैं और स्विच में हम लॉगिन करते हैं। यूजर वन एंड पासवर्ड इज सिस्को 1234 स्टार। आप देख रहे हैं कि हमने जो डिफॉल्ट प्रिविलेज दी है वो भी 15 है और जो मैक्सिमम प्रिविलेज दी है वो भी 15 है। तो इस वक्त जो मैं लॉगिन हुआ हूँ वो स्टिल प्रिविलेज वन में हुआ। आइस ने चाहा कि स्विच जो है वो जब आपको लॉगिन करे तो वो बाय डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल 15 में आप चले जाएं, लेकिन स्विच ने रिक्वेस्ट नहीं किया आइस से कि वो उसको एग्जिट शेल की ऑथराइजेशन में भी मदद करे और उसको 15 नंबर शेल की परमिशन डायरेक्टली दे दे। अभी उसको प्रिविलेज लेवल 1 के अंदर ही आया और यहाँ पे इनेबल लिखने पर ही वो प्रिविलेज लेवल 2 के अंदर आप प्रिविलेज लेवल 15 के अंदर आपको लेके जा रहा है, क्योंकि ये स्विच का डिफॉल्ट बिहेवियर है। हमने उसमें जो प्रिविलेज लेवल है उसके बारे में स्विच को रेडी नहीं किया कि ये आइस को कंसल्ट करे और उसके डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल 15 को एंजॉय करे, ताकि आप लॉगिन हो तो डायरेक्ट ही हैश साइन में चले जाएं। आपने देखा होगा अक्सर डिवाइसेस में आप लॉगिन होते हैं तो आप डायरेक्टली हैश साइन के अंदर चले जाते हैं। अब उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें अपने स्विच में ऑथराइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमारे पास एक कमांड है ट्रिपल ए ऑथराइजेशन एग्जिक ऑथ जी ग्रुप आइस लोकल। एग्जिक का मतलब है कि जो एग्जिक शेल है उसकी जो ऑथराइजेशन है उसके बारे में कंसल्ट किया जाए आइस से, और इस कमांड की भी जो फॉर्मेट है वो वही है, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन इज अ कमांड, एग्जिक इज व्हेन यू ओपन द शेल, एग्जिक शेल प्रिविलेज एग्जिक मोड, ऑथ जी उस रूल का नाम है, ग्रुप आइस यानी उसके बारे में पहले आइस से पूछे और अगर आइस अवेलेबल नहीं है तो लोकल पर आ जाए। इस ऑथराइजेशन रूल को हम यहां पर VTY लाइन पर कॉल भी करेंगे, ताकि एग्जिक ऑथराइजेशन के लिए भी आइस से कंसल्ट किया जाए। सो लेट्स कॉन्फ़िगर दिस। ट्रिपल ए ऑथराइजेशन एग्जिक ऑथ जी ग्रुप आइस ग्रुप लोकल, और यहां पर हम अपनी ऑथराइजेशन एग्जिट की पॉइंट कर देते हैं ऑथ जी रूल पे। इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब हम अपने स्विच को एक्सेस करते हैं। सो डू यू सी कि हमारा स्विच जो है वो लॉगिन के बाद आपको स्ट्रेट वे हैश साइन दे रहा है। आप वो टू स्टेप ऑथेंटिकेशन से बाईपास हो गए, बिकॉज आपको आइस की तरफ से परमिशन मिल रही है कि आप बाय डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल 15 में चले जाएं ड्यू टू दिस चेंज। इज दैट क्लियर? हाउ कैन यू एनेबल योर आईओएस टू एलोकेट प्रिविलेज लेवल 15 राइट आफ्टर यू ऑथेंटिकेट? ये हमने इस यूज केस को कन्फिगर किया। इसमें आपका अगर कोई सवाल है तो बताइए, अदरवाइज वी विल मूव ऑन। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द पासवर्ड चेंज फीचर ऑफ टेकएक्स। आपके इलम में है कि हमारे इस यूजर का जो पासवर्ड है दैट इज सिस्को 1234 स्टार। अब अगर मैं इस पासवर्ड को चेंज करना चाहता हूँ बीइंग एन एंड यूजर, तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं आइस के एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्वेस्ट करूँ वो मेरे लिए इस पासवर्ड को चेंज कर दे। यहाँ इस यूजर को एडिट किया जाए और इधर इसका जो भी न्यू पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो आप रखें और सेव दबाएं तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि टेकएक्स आपको इन लाइन पासवर्ड चेंज करने की कैपेबिलिटी देता है और बहुत सिंपल प्रोसेस है उसका।
कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट टेकएक्स का फीचर है। तो करना आपको ये है कि आप अपनी डिवाइस को टेलनेट या एसएसएच कीजिए, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह पूछा जाएगा। जब यूज़र नेम पूछा जाए तो आप यूज़र नेम दें, उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, आप पासवर्ड मत दें। जब आप पासवर्ड नहीं देंगे, आप वैसे ही एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपसे प्रॉम्प्ट पूछेगा अपना ओल्ड पासवर्ड बताइए। वहां आप अपना ओल्ड पासवर्ड दें, न्यू पासवर्ड दो दफा दें, आपका पासवर्ड आईस सिस्टम में अपडेट कर दिया जाएगा। सो इस चीज को करके देखते हैं। सो मेरे पास है यूजर वन, एंटर, मुझसे पासवर्ड पूछा जा रहा है, मैं कोई पासवर्ड नहीं देता, मैं सिंपली एंटर प्रेस कर देता हूं। तो मुझे कहा जा रहा है एंटर ओल्ड पासवर्ड, दैट इज CISCO1234*। वो वेरीफाई हो गया तो अब न्यू पासवर्ड पूछा जा रहा है। न्यू पासवर्ड में लिखता हूं CISCO12345*, CISCO12345*। सो मैं लॉगिन भी हो गया और मेरा बैकएंड सिस्टम में पासवर्ड भी चेंज कर दिया गया। पासवर्ड चेंज किया गया या नहीं, लेट्स चेक द लॉग्स। आप देख रहे हैं आपका जो पासवर्ड चेंज की रिक्वेस्ट है, दैट सक्सीडेड। आप देख रहे हैं पीछे टेकएक्स में चेंज पासवर्ड रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि आपने कोई पासवर्ड नहीं दिया था, आपने सिंपली एंटर प्रेस कर दिया था, और ओल्ड और न्यू पासवर्ड देने के बाद आपका न्यू पासवर्ड सेट कर दिया गया।